दिस इज सुवर्णिता गांगुली फ्रॉम एनएसएस टारगेट जेई और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। पहले हम लोग देखेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब क्या होता है। सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण। दे आर द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ वैल्यू ऑफन अ मेजरमेंट दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ द वैल्यू। मतलब हम लोग फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट करते हैं, करने के बाद हम लोग को एक वैल्यू मिलता है, वो वैल्यू कितना सही है और कितना गलत है वो पता करने के लिए हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स यूज करते हैं। We start counting significant figures at the first non-zero digit. मतलब पहला जो भी non-zero digit मिल रहा है हम लोग को, 1 से 9 के बीच में कोई भी digit मिल रहा है हम लोग को, वहां से हम लोग significant figures गिनना चालू करते हैं। अब देखते हैं हम लोग कि कितने significant figures है, वो गिनने के लिए हम लोग को कुछ कुछ points याद करना पड़ता है। पहला point, all non-zero digits are significant. तो इसके लिए हम लोग digits को दो हिस्से में divide कर लेंगे, एक zero, दूसरा है 1 से 9 के बीच में कोई भी डिजिट। ठीक है, तो अगर ये 1 से 9 के बीच में कोई भी डिजिट रहा, बिना सोचे समझे हम लोग उसको एज अ सिग्निफिकेंट डिजिट मान लेंगे। 0 कभी कभी सिग्निफिकेंट डिजिट होता है, कभी कभी नहीं होता है। कब होता है वो हम लोग देखेंगे कुछ रूल्स के हिसाब से। सेकेंड पॉइंट, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ न्यूमेरिकल वैल्यू इज इक्वल टू द नंबर ऑफ डिजिट्स काउंटेड फ्रॉम द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट ऑन द लेफ्ट to the last digit on the right, जो कि मैं यहाँ बोली कि significant figures गिनना चालू वहाँ से होता है जहाँ पे एक non-zero digit होता है, शुरू वहाँ से होता है, खत्म कोई भी number पे हो। अभी तक हम लोग देखे significant figures, अब हम लोग उसका एक example देखेंगे और application देखेंगे, which is known as rounding off। तो rounding off जो चीज है वो depend करता है एक number पर, which is 5। comparison सारा होता है 5 के हिसाब से। पहला, अगर वो number 5 है, अगर वो नंबर 5 से ज्यादा है या अगर वो नंबर 5 से कम है। तो फर्स्ट केस हम लोग देखेंगे कि अगर वो नंबर 5 से कम है। एग्जांपल से शुरू करते हैं ताकि हम लोग को समझने में आसानी हो। ये नंबर को हम लोग को 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लेके जाना है। तो 1, 2, 3, तीन नंबर तो रहेगा फॉर श्योर। अब चौथा नंबर क्या होगा वो उसके बाद वाले नंबर पे डिपेंड करता है। हमेशा यही होता है कि जितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम लोग लेके जाना है उसके बाद वाले नंबर से हम लोग डिटरमाइन करेंगे कि वो वाला नंबर क्या होगा। तो ये नंबर में 3 के बाद वाला नंबर 4 है, 4 क्या है 5 से कम है, तो क्या करेंगे, ड्रॉप इट एंड ऑल द फिगर्स टू द राइट ऑफ इट। मतलब उस नंबर को हटा दो और उसके राइट में जितने नंबर से वो सबको भी हटा दो। तो मतलब 4 हट गया, 7 हट गया और 3 जैसा का तैसा रह गया। तो मतलब मेरा आंसर है 62.53। ये हुआ अगर वो नंबर 5 से कम है। अब देखते हैं अगर वो नंबर 5 से ज्यादा है, मतलब मोर देन 5। एक एग्जांपल ले लेते हैं, पहले आसानी होगा। इस नंबर को हम लोग को 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लेके जाना है, मतलब 2 तो रहेगा फॉर श्योर और तीसरा नंबर क्या होगा वो चौथे नंबर के ऊपर डिपेंड करेगा। मेरा चौथा नंबर है 7, तो 7 क्या है मोर देन 5, तो क्या करेंगे, इंक्रीज बाय 1 द नंबर टू बी राउंडेड। द नंबर टू बी राउंडेड मतलब 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, मतलब थर्ड नंबर जो कि हम लोग को राउंड ऑफ करना पड़ेगा, वो नंबर को हम लोग को 1 से इंक्रीज करना पड़ेगा, दैट इज द प्रीसीडिंग फिगर। ठीक है, प्रीसीडिंग मतलब पहले का, 7 के पहले का फिगर 8 है, तो हम लोग को उसको 1 से बढ़ाना पड़ेगा और बाकी जितने नंबर है वो सबको हटा देना पड़ेगा। तो 8 अगर 1 से बढ़ा तो कितना हुआ, 3.79। ठीक है, अब हुआ ये दोनों तो हो गया, एक अगर 5 से कम हुआ, एक हो गया 5 से ज्यादा। अगर 5 हुआ तो क्या करेंगे, If the number is 5, round the number so that it will be even. मतलब अगर 5 हुआ वो number, तो हम लोग को ऐसे round off करना पड़ेगा ताकि final जो हम लोग का answer आए वो even number हो। ठीक है, तो एक example देख लेते हैं। ये वाले number को हम लोग को 5 significant figures तक लेके जाना है। तो मतलब कितने figures रहेंगे, 1, 2, 3, 4, 4 तो रहेगा ही। अब 5th वाला जो number होगा वो depend करेगा 6th number पे। 6 नंबर क्या है मेरा, 5। तो 5 अगर हुआ तो हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि हम लोग 5 अगर हटा दिए तो वो नंबर इवन है या ऑड है। अगर ऑड है तो उसको इवन करना पड़ेगा, अगर इवन है तो जैसा है वैसे ही रहने देंगे हम लोग। तो 5 को हटा देने के बाद उसके पहला वाला नंबर 3 है और 3 से जो भी नंबर एंड होता है हम लोग को पता है कि वो सारे नंबर्स ऑड होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, बस 3 में एक जोड़ देंगे। ठीक है, तो फाइनल आंसर मेरा क्या हुआ, 726.84। 3 में एक जोड़ दिए, 3 + 1, 4। ठीक है,
अब देखते हैं एक और एग्जांपल, 24.8514 टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स, 2 और 4 तो रहेगा। अब थर्ड पोजीशन में कौन सा वैल्यू रहेगा वो डिपेंड करेगा फोर्थ नंबर पे, फोर्थ नंबर मेरा 5 है, तो अगर मैं 5 को हटा दी तो उसके पहला वाला नंबर 8 है, 8 इज एन इवन नंबर, तो फिर अगर हम लोग वो 5 को हटा देते हैं तो फाइनल आंसर जो है मेरा वो इवन है। तो अगर हम लोग इवन आंसर पहले ही हम लोग को इवन आंसर मिल रहा है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन करने का कोई जरूरत नहीं है, वही आंसर मेरा फाइनल हो जाएगा 24.8। ये हुआ मेरा रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ। अब हम लोग देखेंगे कि रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन अ नंबर। ये बहुत आसान एक तरीके से हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे वो हम लोग देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, जीरो इन बिटवीन डज काउंट। ये जो जो बोल्ड में लिखा हुआ है ना वो सब सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में कोई जीरो रहा तो वो काउंट करेगा। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके, ये एक रिकैप टाइप से है, ठीक है। तो अगर बीच में कोई भी जीरो रहता है, बीच में इन द सेंस एक नॉन जीरो डिजिट और दूसरे नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर कोई जीरो रहता है तो वो काउंट किया जाता है। जैसे कि ये नंबर में देखिए 8 और 9 के बीच में जीरो है, तो मतलब ये जीरो को काउंट किया जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, देखिए 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। दूसरा केस, लीडिंग जीरोस डू नॉट काउंट। लीडिंग मतलब पहले का, ट्रेलिंग मतलब आखिरी का, ठीक है। लीडिंग मतलब अगर कोई सिग्निफिकेंट फिगर के पहले जीरो रहता है तो वो काउंट नहीं होता है, ठीक है। यही एग्जांपल में देखिए 0.00456, आगे के जितने भी जीरोस है कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये सब जीरोस हटा भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए देखिए 1, 2, 3 थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अब ट्रेलिंग जीरोस का मतलब पीछे के जीरोस का दो केस होता है, एक डेसिमल वाला केस और एक बिना डेसिमल वाला केस। अगर डेसिमल वाला केस होता है तो अगर शुरू एक नॉन जीरो डिजिट से होता है, खत्म एक जीरो से होता है, तो जितने भी जीरोस है सबको काउंट किया जाता है। और अगर डेसिमल नहीं रहता है तो शुरू जिस नंबर से भी हो खत्म के जीरोस को काउंट नहीं किया जाएगा। तो ये एग्जांपल में देखिए 23 मतलब 2 और 3 को काउंट किया जाएगा, दैट इज 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। और ये डेसिमल पॉइंट में, क्योंकि डेसिमल पॉइंट एग्जिस्ट करता है और उसके सामने एक नॉन जीरो डिजिट है 130, तो इसीलिए सारे जीरोस को काउंट किया जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके, ये एक रिकैप है। सेकंड, रूल्स फॉर परफॉर्मिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा उसमें कितने नंबर्स होंगे वो हम लोग को कैसे पता चलेगा, बहुत आसान है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में हम लोग को देखना पड़ेगा द नंबर विच हैज द लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। क्या द फाइनल आंसर इज रिटन सो दैट इट हैज द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज द मेजरमेंट दैट हैज द फ्यूएस्ट डेसिमल प्लेस। मतलब हम लोग बहुत सारा नंबर्स ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि जो फाइनल आंसर है उसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स रहना चाहिए। तो हम लोग उसको कैसे पता करेंगे, जो नंबर्स को हम लोग ऐड कर रहे हैं और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उन लोगों में से सबसे कम नंबर ऑफ नंबर्स जो कि डेसिमल पॉइंट के बाद सबसे कम नंबर ऑफ डिजिट्स जिस नंबर पे होगा उस नंबर के हिसाब से हम लोग लेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पे इस नंबर में 2 है, डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, और ये तीनों को ऐड करने के बाद ये मेरा आंसर आ रहा है। तो जो आंसर होगा उसमें भी डेसिमल पॉइंट के बाद सबसे कम जो नंबर है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, सबसे कम कौन से डेसिमल पॉइंट का है, 2 है। तो मतलब फाइनल जो आंसर होगा उसमें भी डेसिमल पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट होगा। तो हम लोग राउंड ऑफ करना सीख गए थे, तो हम लोग देखेंगे 1, 2, 3 तो रहेगा, अब डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट रहना चाहिए, पर यहाँ पे 3 डिजिट है, तो हम लोग तीसरे डिजिट को यूज करेंगे दूसरे डिजिट क्या होगा वो देखने के लिए, क्योंकि 8 है यहाँ पे, 8 इज ग्रेटर देन 5। तो हम लोग क्या देखे थे कि अगर वो नंबर ग्रेटर देन 5 होता है तो उसके पहले वाले नंबर में 1 ऐड कर देना पड़ेगा, 6 + 1 = 7, तो 818.37 हो गया मेरा आंसर। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन में भी देखिए, इसमें 2 है, इसमें 1 है और इसमें 2 है, तो फाइनल जो आंसर होगा उसमें बस एक ही डेसिमल पॉइंट होगा। और फाइनली राउंड ऑफ करने के बाद मेरा ये आंसर आ रहा है, ठीक है। ये हुआ मेरा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसके बाद हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में क्या होता है। अगर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कर रहे हैं तो फाइनल आंसर में
it should has the same number of significant figures as the measurement with the fewest significant figures. इसके पहले हम लोग देखे थे addition और subtraction में point के बाद कितने digit है वो देखा जाता है और multiplication और division में कितने significant figures है वो देखा जाता है. दोनों में common ये है कि सबसे कम, पर addition और subtraction में decimal point के बाद कितने digit है वो count किया जाता है और मल्टीप्लीकेशन में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स किसका है वो काउंट किया जाता है. जैसे कि एक क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दो सिग्निफिकेंट फिगर्स है, यहाँ पे तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स है और यहाँ पे चार सिग्निफिकेंट फिगर्स है. सबसे कम किसका है? दो है. तो मेरा फाइनल जो आंसर आएगा उसमें भी बस दो ही सिग्निफिकेंट फिगर्स यूज करना पड़ेगा और दो सिग्निफिकेंट फिगर्स यूज करने के लिए फिर से मेरे को राउंड ऑफ का टेक्निक यूज करना पड़ेगा. राउंड ऑफ का टेक्निक यूज करने के बाद मेरा फाइनल आंसर ये आ रहा है. सिमिलरली इसमें भी देखिए, पहले वाले में मेरा चार सिग्निफिकेंट फिगर्स है, दूसरे वाले में भी चार है और तीसरे वाले में एक है. तो मतलब फाइनल मेरा जो आंसर आएगा उसमें बस एक डेसिमल पॉइंट होना चाहिए, मतलब एक सिग्निफिकेंट फिगर्स होना चाहिए. तो फाइनल राउंड ऑफ करने के बाद मेरा आंसर आ रहा है 140. ये हुआ मेरा रूल्स फॉर परफॉर्मिंग मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन और पहला वाला हुआ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन.